Hello students, welcome to another video on trigonometry. This video contains question number 5, part 2, exercise 8.4, NCERT book, class 10th. Okay, because question number 5 ko continue kar rahe hum log, to question number 5 mein abhi jitne bhi sections aayenge, sab mein humko jo identity given hai, question jo given hai, usko prove karna hoga. To chaliye dekhte hain is second identity ko kaise prove karna hai. Isko prove karne ke liye main LHS use kar raha hu, left hand side. इस पार्ट को मैं यूज करके राइट हैंड साइड ऑब्टेन करूंगा. ओके, सो सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. ओके, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा. डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, तो एलसीएम में दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा. ओके, ये आ गया एलसीएम. नाउ डिवाइड दिस एलसीएम बाय दिस फर्स्ट डिनोमिनेटर. तो इस एलसीएम को जब मैं इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा इससे, तो क्वेश्चन जो आएगा आंसर ऑब्टेन होगा वो कॉस ए होगा. देन कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस. ओके, बिकॉज ए प्लस साइन है तो ये डाला हमने. अगेन डिवाइड दिस एलसीएम बाई कॉस ए. When this is divided by cos A cancel हो जाएगा, then answer is 1 plus sin A. 1 plus sin A का into इस numerator में करना पड़ेगा हमें. अब मिलेगा हमें 1 plus sin A whole square. ओके, अब numerator को और सिंप्लीफाई करेंगे हम. cos square A plus ये जो सेकेंड टर्म दिख रहा है, ये A plus B होल स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है. तो मैं इसे एक्सपैंड कर सकता हूँ, A square plus बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए. डिनोमिनेटर को एज इट इज हमने रखा. ओके, नाउ न्यूमरेटर कंटेन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए. इसको लिख लेते हैं एक साथ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वन, यहां से वन आया, देन लास्ट टर्म इज टू साइन ए प्लस टू साइन ए. दिस होल इज डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए. ओके, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू वन होता है, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं वन से. एंड वन प्लस वन इज टू, सो टू प्लस टू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए. ओके, न्यूमरेटर सेकेंड टू कॉमन आ सकता है, आप बाहर ले लीजिए उसको. सो वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए. ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म दिख रहा है वन प्लस साइन ए, वो कैंसिल हो जाएगा. फाइनली हमारे पास बचा अब टू अपॉन कॉस ए. कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ सेक ए. ओके, तो यही आर एच एस था. ओके, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए कोई वेल डिफाइंड एल्गोरिथम, कोई वेल डिफाइंड मेथड नहीं होता है. ये प्रैक्टिस के साथ हमको समझ में आता है कि चेंजेस कैसे करने हैं. तो अभी तक जो आइडेंटिटीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये सब बहुत सिंपल आइडेंटिटीज गिवन है. ओके, आगे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिटीज आने वाली है, तो जस्ट प्रैक्टिस से, सिर्फ आप जितना आइडेंटिटीज को प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग हर स्टेप में क्या चेंजेस होते हैं, तब आपको समझ में आने लगेगा. अदरवाइज इसका कोई फिक्स मेथड या फिक्स्ड एल्गोरिथम नहीं होता. ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए इसे.